मध्य प्रदेश में 17,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ संवेदनशील, पुलिस ने अभी से शुरू किया फ्लैग मार्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एमपी के 17,000 से ज्यादा संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सेंट्रल फोर्स के सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा अभी से मध्य प्रदेश पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में गुंडा तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार 65,923 पोलिंग बूथ पर मतदान होना है। इनमें से कई पोलिंग बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में हैं। इन पर सुरक्षा एजेंसियों की खास नजर रहेगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में सेंट्रल फोर्स के जवान भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर फ्लैग मार्च भी शुरू हो गया है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा के मुताबिक खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील पोलिंग बूथ पर फ्लैग मार्च किया गया। 225 करोड़ से ज्यादा की सामग्री और कैश जब्त। इसके अलावा धार एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि संवेदनशील पोलिंग बूथ पर अभी से सुरक्षा इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, गुंडों के खिलाफ जिलाब दर, हिस्ट्री शीट खोलना जैसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सुरक्षा एजेंसियों की तलाशी अभियान से अभी तक 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की सामग्री और नकदी जब्त हो चुकी है। इनमें 25 करोड़ से ज्यादा की नकदी शामिल है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब, नशीली दवाएं, नगद राशि जब्ती के मामले में कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार वर्तमान में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश प्रतिबंधित है। बता दें, प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।